हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेरवा सर विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर के बारे में। इन्फोसिस शेयर के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए 945.70 की क्लोजिंग दी है शेयर ने। 5.65 रुपीज़ शेयर बढ़ा है एंड 60.60% आपको शेयर में इंक्रीज देखने को मिला है। दोस्तों, बात करेंगे मंडे को क्या कैसा स्टॉक करेगा, क्या बढ़ेगा या गिरेगा। तो उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो देखिए, इन्फोसिस ने मंडे को कितना हाई बनाया था, सबसे लिए देखना है। इन्फोसिस ने मंडे को हाई बनाया था 953 का, पर देखिए वहाँ पे ये सस्टेन नहीं हो पाया, यानी वहाँ की क्लोजिंग नहीं दे पाया, 950 प्लस की क्लोजिंग नहीं दे पाया। 953 से एक डाउनफॉल देखने को मिला है। और देखिए 953 से कहाँ है क्लोजिंग दी है इसने, 945.70 पे। तो क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया शेयर, वहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है देखिए इन्फोसिस में एक रैली आएगी, ज़रूर आएगी। देखिए क्योंकि देखिए शेयर आप कह सकते हैं पहले ऊपर से नीचे गिर रहा था, 1000 के लेवल्स पर जाने ही वाला था कि दोस्तों फिर से उसमें गिरावट देखने को मिले। लेकिन देखिए अब आप देखें तो कंटिन्यू रिकवरी फिर से आ रही है और शेयर ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊं उस दिन का, तो देखिए आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, अच्छा खासा शेयर चढ़ा था। लेकिन देखिए यहाँ से शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो गिरावट कंटिन्यू रही पूरे दिन। और यहाँ पे गिरा आप कह सकते हैं सिर्फ 5 रुपये प्लस में शेयर बंद हो सका। लेकिन देखिए हमें लगता है देखिए फिर से इसमें आप अच्छा खासा देखिए एक जोन देखने को मिल सकता है। हाँ, 1-2 दिन मुनाफा वसूली आ सकती है शेयर में। तो देखिए वहाँ पे शेयर को खरीदना है। देखिए IT टेक्नोलॉजी का शेयर है, तो देखिए IT सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से आगे चल के आप इसको अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे एज इन्फोसिस में, तो आप इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। देखिए इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो देखिए नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम है। क्योंकि देखिए IT सेक्टर की कंपनी और इंडिया की अच्छी कंपनी, उसमें इसका बहुत नाम आता है। तो देखिए मुझे लगता है इन्फोसिस पे आपको 100% आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में बाय करके चलना चाहिए। देखिए अगर आपको ये शेयर 930, 920 और 900 पे भी मिलता है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है साल के अंत तक। हमें लगता है साल के अंत तक ये शेयर 1100 से लगाकर 1200 के बीच में जा सकता है ये शेयर इन्फोसिस का। अगर हम इन्फोसिस की बात करें देखिए अगर एक महीने की, तो देखिए एक महीने में शेयर में -1% देखने को मिला है। देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था 965.70 के आसपास शेयर गया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए वहाँ से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन देखिए फिर से शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है वापस से जल्दी ही ऊपर जाएगा ये शेयर। एक साल की बात करते, देखिए एक साल में कहाँ से चढ़ा, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए कहाँ पर गया है, 520 से लगाकर 945। एक लो क्या है इसका 520 और हाई अभी कहाँ चल रहा है 945। तो आप देखिए शेयर कहाँ चल रहा है, आप कह सकते हैं अभी बिल्कुल अपने 52 वीक हाई के पास है, बहुत ज़्यादा पास है और हमें लगता है वो अचीव भी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाय करके चलिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, बहुत अच्छा शेयर है, यहाँ बाय करके चलिए। आगे कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमें लगता है ये कंपनी जैसे ब्राइट होगी जैसे इसका शेयर भी ब्राइट होगा और यहाँ पे आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। अगर मैं इसका टेक्निकल के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, देखिए टेक्निकल्स की बात करें लास्ट मिनट की, तो देखिए लास्ट मिनट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो आप देखिए गिरावट के कारण बना है, यहाँ पे सेल हुआ है 14 सेल 5 बाय। ऑसिलेटर्स भी सेल पे हैं, बाय बिल्कुल ऑप्शन नहीं दे रहे हैं और मूविंग एवरेजेस ने भी रिकमेंड सेल किया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे हमें दिख रही है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा 953 सस्टेन नहीं हो पाया, वहाँ से गिरावट देखने को मिली, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन मुनाफा वसूली आ सकती है तो वहाँ पे शेयर को खरीदना है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम आपको मैं आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताऊँ, इसका इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस बताऊँ, देखिए स्टॉप लॉस होगा 901 का। अब देखिए 901 का अगर आ जाता है ना, तो यहाँ पे गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी और वहाँ से 800 से लगाकर हमें अराउंड 850 तक ये शेयर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको शेयर को ख़रीदना है। अब देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल बाय करके चलना है शेयर को फॉर टारगेट ऑफ 110 आपको 1100 का फॉर दिस ईयर। आप पूरे साल के अंत तक का बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा डिप आएगा, डिप में खरीदारी करनी है और आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।